सलमान खान किसी भी ऑफिशियल प्रोटोकॉल को फॉलो करना जायज नहीं समझते, ना ही लाजमी समझते हैं। जी हाँ, ये बात किसने कही है, चलिए आपको बता देती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। हम सभी जानते हैं कि सलमान खान यारों के यार हैं और काफी दिलदार हैं। भाई जो उनके दिल में आता है वो कह देते हैं, इसलिए वो ज्यादातर लोगों के दिल में ही आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। बट आपको बता दूं कि इस वक्त कबीर खान, जी हाँ, जिन्होंने सलमान खान के साथ कई फिल्में की हैं, सुपरहिट ब्लॉकबस्टर्स दी हैं, फॉर एग्जाम्पल बजरंगी भाईजान, उसी के साथ साथ एक था टाइगर, इस तरह की कमाल की फिल्में एक साथ करने के बाद एक अच्छा रेपो बिल्ड हो गया है कबीर खान और सलमान खान के बीच में। लेकिन जब बजरंगी भाईजान 2 का अनाउंसमेंट सलमान खान ने किया, उसके बाद लगातार ये स्पेकुलेशन सामने आ रही थी कि आखिर कबीर खान ने क्यों इस फिल्म को डायरेक्ट करना जरूरी नहीं समझा। अब आपको बता दूं कि बजरंगी भाईजान 2 की अनाउंसमेंट पर रिएक्ट करते हुए क्या कुछ कहना है कबीर खान का। वेल, हाल ही में मिडडे को दिए हुए इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया तो कबीर कहते हैं, फ्रॉम द हार्ट सलमान टॉक्स। सलमान किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। सलमान स्पीक्स फ्रॉम ऑल हिज हार्ट एंड डजंट नेसेसरली फॉलो प्रोटोकॉल्स ऑफ नॉर्मल अनाउंसमेंट्स या फिर फॉर्मल अनाउंसमेंट्स। जब भी उन्हें दिल से लगता है कि वो जिक्र करते इस बात का, वो कर देते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि 2015 की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान को विजेंद्र प्रसाद ने लिखा था और अब कहीं ना कहीं वही अगर इस फिल्म के साथ जुड़ते हैं, इस फिल्म को लिखते हैं, तो डेफिनेटली फिल्म की क्रेडिबिलिटी उतनी की उतनी ही रहेगी। इसी के साथ साथ कबीर कहते हैं, He mentioned that it is happening because he is excited. I have not read the script, but Vijendra sir will always write something exciting. The idea of creating a sequel never excites me. ये बात कबीर खान का कहना है कि मुझे कभी भी exciting नहीं लगता किसी भी फिल्म का sequel create करना, मुझे सिर्फ first film अच्छी लगती है, इसलिए मैं sequels का ज़्यादा part नहीं बनता। I will never make a sequel to my film only because the original was successful. If I find a great story, I will definitely be making one. But not just for the sake of a successful past story. So कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तरफ से clarify कर दिया है कि वो definitely नहीं करने वाले हैं बजरंगी भाईजान 2 का sequel. Well, आपकी इस बारे में क्या है राय? आप जरूर बताएं comment section में.